हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी बुक की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम रैखिक समीकरण को जो दो चरों में है उसको हल करना सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर वन। वन का फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान है, देखो वो भी करते हैं। एक्स प्लस वाई इजिकल टू 14 और एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4। ये दो समीकरण हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो उसमें क्या करना है, हमें किसी एक समीकरण से एक वेरिएबल की यानी एक चर की वैल्यू दूसरे चर की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यू दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, माना समीकरण नंबर दो है ये और ये समीकरण नंबर एक। तो समीकरण नंबर दो में एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स क्या मिलेगा, वाई प्लस 4। अब ये वैल्यू समीकरण नंबर एक में रख दो तो क्या मिलेगी, वैल्यू वाई प्लस 4 प्लस वाई इजिकल टू 14। तो वाई प्लस वाई 2 वाई, 14 माइनस 4 10, तो वाई की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब वाई की वैल्यू 5 पुट कर दो इसमें। एक्स क्या, वाई प्लस 4, तो 5 प्लस 4 इजिकल टू 9। तो इनको चेक भी कर सकते हो, 9 प्लस 5 देखो 14 और 9 माइनस 5 4। इस तरह से ये समीकरण हल हो जाती है। समीकरण नंबर जो क्वेश्चन नंबर वन है तुम्हारा, इसके हमारे पास 6 पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर और 6 के 6 पार्ट सभी बड़े आसान हैं। एक और कर लेते हैं हम इसमें, इसका चौथा पार्ट है जो दशमलव का है। ठीक है, ये ट्राई करते हैं। चौथा पार्ट है 0.2x + 0.3y, 0.2x + 0.3y इजिकल टू 1.3। और दूसरी समीकरण है 0.4x + 0.5y इजिकल टू 2.3। समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो। तो इसमें से निकालो आप, एक्स वैल्यू निकालो, वाई वैल्यू निकालो। एक्स निकालो या वाई, जैसे 0.2x क्या मिलेगा, 1.3 माइनस 0.3y। तो एक्स क्या मिलेगा इससे, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2। ठीक है, अब ये वाले पुट करेंगे हम समीकरण नंबर दो में। ये समीकरण नंबर एक है, रखो 0.4x, 0.4 × एक्स वैल्यू रख दो, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.5 2.3। अब देखो पॉइंट एक के बाद, एक के बाद यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं हम और 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 के मिनट में अंदर करो 2.6, 2 3 जा 6 0.6y, 0.5y इजिकल टू 2.3। 0.6 + 0.5 कितना मिला, 0.1 माइनस में मिलेगा इजिकल टू 2.3 माइनस 2.6, दैट इज 0.3 माइनस में। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू मिलती है 3। ठीक है, वाई वैल्यू पुट कर देंगे इसमें समीकरण नंबर इसमें 3 में। ठीक है, एक्स का वन के लिए मिलेगा एक्स की वैल्यू, एक्स मिलेगा 1.3 माइनस 0.3, वाई की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 0.2।
तो 1.3 माइनस 33 जा 9.9 डिवाइड बाई 0.2, 1.3 माइनस 0.9 कितना हुआ 0.4 अपॉन 0.2, तो 2 मिल जाता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मिलती है आपको 2 और वाई की वैल्यू मिलती है 3। ठीक है, चेक कर सकते हो इसको, एक्स वैल्यू 2 यहाँ रखो 4, 3 9, 9 प्लस 4 13, 1.3, यानी हमारी समीकरण ठीक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पहला पार्ट किया है और चौथा पार्ट किया है। ठीक है, इसके जो बाकी पार्ट है वो आप होमवर्क पर कर सकते हैं, मैं बाकी पार्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बाकी पार्ट इसके देखो, ये बाकी पार्ट हैं इसके। ये पार्ट और ये मैं कर चुका हूँ, और ये पार्ट, ये तीन पार्ट इसके होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, एक पार्ट ये रहा, ध्यान से देख लें आप, ये पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अगली प्रॉब्लम करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, क्वेश्चन नंबर 2 है। और दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको हल करें और m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इनमें रिलेशन ये है, तो m का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या करना है, पहले इन दो समीकरण को हल करेंगे हम। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इससे x वैल्यू निकाल लो, तो 2x क्या मिलेगा 11 माइनस 3y, तो x क्या हो गया 11 माइनस 3y इक्वल टू अपॉन 2। अब ये वैल्यू रख देंगे इसमें समीकरण नंबर 2 में, तीन की वैल्यू दो में रखो, 2x है, 2x वैल्यू रखो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 7 हो जाता है इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 75 जा, y की वैल्यू 5 मिलती है, y की वैल्यू 5 पुट कर दो इसमें समीकरण नंबर 3 में, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, 11 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज माइनस 2, ये मिलेगा जी आपको, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2, देखो संतुष्ट कर रही है, 5 3 15 और माइनस 4, 15 माइनस 4 11, करेक्ट। अब ये समीकरण हमारे पास ट्रू है ना, ये सत्य दे रखी है इसने, और m की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई में रिलेशन दे रखा है ये, वाई जी करो एम एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको हम, तो क्या है वाई जी कल टू एम एक्स प्लस 3, वाई की वैल्यू 5 है और एक्स वैल्यू माइनस 2, माइनस 2 इसमें रखो, माइनस 2 एम प्लस 3, 3 को उधर ले आओ, 5 माइनस 3 माइनस 2 एम, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 एम, और एम इज इक्वल टू मिल गया 1। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम खत्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो इस तरह से मैं 5 माइनस 3 2 थैंक यू मिल जाती है माइनस 1। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में
शुरू होती हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम, यानी इसकी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स, यानी तुम्हें बनानी भी है और उसके बाद उनको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप जैसे बोलते हैं इस तरह से आप हल करते रहो। सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर 26, लिख लो, माना संख्याएं बराबर एक्स और वाई। इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख दो प्रश्नानुसार एक्स माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, देखो तो यहां साफ दिखा दे रहे एक्स बड़ी वाई से, तो एक्स 3 गुनी होगी वाई की, तो एक्स बराबर 3 वाई, ये मिल गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो बड़ा आसान रहेगा। देखो एक्स वैल्यू 3 वाई डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, एक्स बराबर 3 वाई, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, 3 वाई माइनस वाई बराबर 26, और 2 वाई बराबर 26, और वाई का मान मिल गया 13, और एक्स क्या 3 वाई, से एक्स वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इजिकल टू 3 × 13 इजिकल टू 39। ठीक है, इस तरह बहुत छोटी वर्ड प्रॉब्लम थी इसकी, इस तरह वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसकी। दूसरी है, दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखे, ये आप हल करो अपने आप, है ना, होमवर्क में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चौथा, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये करता हूं मैं, तीसरे का चौथा पार्ट। सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ये व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा खंड में कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो इसमें नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना है। तो माना नियत भाड़ा यानी किराया एक तरह से, ठीक है, फिक्स किराया ₹x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी किराया बराबर ₹y। ठीक है, तो पहला क्या बोला इसने, 10 किलोमीटर दूरी के लिए ₹105। तो प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन x तो नियत हो गया, और 1 किलोमीटर का भाड़ा हमारे पास ₹y है, 10 का कितना होगा 10y, तो x प्लस 10y इजिकल टू 105। इस तरह से द्वितीय समीकरण क्या बनेगी, उन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y 155, इक्वेशन नंबर 2। बस इन्हें हल कर दें, बहुत आसान है, पहले से x की वैल्यू उसमें रख दो उठा करके, x क्या मिला 105 माइनस 10y, ये रख दो इसमें समीकरण नंबर 2 में, तो क्या मिलेगी वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इजिकल टू 155, 15 माइनस 10 5y, 155 माइनस 105 50 मिला, तो y की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो इसको, 10 y के लिए 10 यहाँ पुट करो, तो x क्या मिलेगा 105
टेन इंटू टेन, तो ये मिला 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। यानी हमारा जो फिक्स भाड़ा है वो 5 रुपये है और जो पर किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपये। ठीक है, तो बाद में कहा इसने, तो बताइए 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अतः 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा x प्लस 25 y, x है 5, 25 गुणा 10, 5 प्लस 250, 255 रुपये। ठीक है, इस तरह से इतना भाड़ा देना होगा। अब इसमें एक सवाल भिन्न का है, ठीक है, उसके बाद एक सवाल इसमें उम्र का सवाल है। तो देखते हैं, भिन्न का सवाल और कर लेते हैं। भिन्न है इसका पांचवा पार्ट, तीसरे का पांचवा पार्ट। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो है 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। माना भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, भिन्न हमेशा ऐसे लेना तुम्हें ना, अंश बटे हर के रूप में। इसने कहा कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दें, 9/11 हो जाती है, तो प्रथम शर्तानुसार एक्स प्लस 2/y+2 बराबर 9/11 हो गई। अब इन्हें तिरछी गुणा कर लो, 11x+22 9y18। ठीक है जी, तो 11x=9y18 -22 -4। ऐसे मान लेते हैं समीकरण को, ठीक है, क्योंकि एक्स वैल्यू उसकी फॉर्म में रखनी है मुझे। उसके बाद फिर कहा कि दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है, तो लिख दो जी, द्वितीय शर्तानुसार एक्स प्लस 3/y+3 बराबर 5/6। इनके तिरछी गुणा करो, 6x और 6 3 18 बराबर 5y+15, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, 6x=5y(15 - 18 - 3)। हम क्या करते हैं, एक्स क्या मिला यहां से, 5y - 3/6, ये मान उठा कर रख देंगे इसमें हम। समीकरण फर्स्ट क्या थी, 11x=9y-4, और एक्स की वैल्यू 5y - 3/6, 5y - 3/6, ये इसमें रखने के बाद में इसको हल कर देते हैं। 6 की तिरछी गुणा इधर कर लो, 11 21 में 11 55y - 33 54y - 24 55 - 54, इसको उधर ले जाओ, 33 - 24, तो y की वैल्यू मिल जाती है 33 - 24, कितना हुआ,
नाइन, वाई की वैल्यू नाइन ऊपर पुट कर दो उसमें, या यहाँ पुट कर दो, एक्स की वैल्यू है 5y-3/6, वाई की वैल्यू 9-3/6, 45-3, 42, 7 मिला, ठीक है। तो तुम्हारा उत्तर जो होगा, जो भिन्न होगी यहाँ पर, भिन्न होगी x बटे y, यानी 7/9, ठीक है। इस तरह से तीसरे क्वेश्चन के हमारे पास 1, 2, 3 पार्ट हो जाते हैं इसके, ठीक है। और बाकी इसके आपके 2-3 पार्ट बचे हैं, बाकी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।